हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसका अभी है सौरमंडल पढ़ रहे हैं। ये इसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है, उससे आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो होता है पृथ्वी का। पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन सा था? कौन थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का त्रिज्या मापा? तो वो कौन थे? फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज। फिर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास किसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? मीन्स पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से कम है, लेकिन कितना कम है यही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। कितना कम है? 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। तो फिर देखो विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? वह 12750। अगर आपको विषुवतीय व्यास याद है तो आप आसानी से ध्रुवीय व्यास निकाल सकते हो इसमें 43 ऐड करके, और अगर ध्रुवीय व्यास याद है तो आप विषुवतीय व्यास निकाल सकते हो 43 माइनस करके। तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन। घूर्णन। पृथ्वी को अपनी कक्षा में गति करता है, देखो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इससे पहले मैंने दो बार प्रश्न इसको पढ़ लिया है। तो अपनी कक्षा में जो वो घूमता है, तो देखो सन जाता है हमको दिखाई देता है पूरब से पश्चिम जाता हुआ, तो इसका मतलब है कि सूरज घूमता होगा पश्चिम से पूरब। मैंने कंसेप्ट भी बताया था कि अगर हम किसी गाड़ी से आगे जा रहे होते हैं तो हमें सारा पेड़ पौधा पीछे जा रहा होता नजर आता है। तो सेम इसी तरह होता है कि सन पूरब से पश्चिम आता है तो ये क्या होता है? पश्चिम से पूरब जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब। अच्छा, साथ ही एक प्रश्न और आप लोगों को बताना है कि सोलर सिस्टम में दो प्लैनेट ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमता है और सारे पश्चिम से पूरब घूमते हैं, तो जो प्लैनेट पूरब से पश्चिम घूमता है उन दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो वो होता है अपसौर। अपसौर इम्पोर्टेंट है। और अगर न्यूनतम रहता है यहाँ पे तब हम क्या करते हैं? उपसौर। नेक्स्ट है, हमारा ऋतुएं मीन्स सीजन जो होता है वो किसके कारण चेंज होता है? तो वो क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाता है मीन्स परिक्रमण करता है उसके कारण क्या होता है? मौसम चेंज होता है। वहीं अगर पूछता दिन रात क्यों होता है, तो दिन रात होता है रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी के आकार में सबसे छोटा ग्रह मीन्स पृथ्वी के आकार से भी छोटा कौन सा ग्रह है? तो कौन सा है? शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल। और कौन सा एक है? उसका नाम है मार्स मीन्स बुध। और ये सारे प्लैनेट क्या है? बुध शुक्र सॉरी मीन्स जुपिटर हो जाए, मीन्स बृहस्पति हो जाए, शनि हो जाए, अरुण वरुण, ये सब क्या है? सन से मीन्स सॉरी अर्थ से क्या है? बड़े प्लैनेट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? क्या कहा था? पृथ्वी गोल है। तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु, यहाँ पे लिखा है अरिस्टोटल, तो इंग्लिश में अरिस्टोटल ही लिखा जाता है उसको, ठीक ना, हिंदी में उसको अरस्तु पढ़ते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है, याद होगा 66:1/2 डिग्री झुकी हुई है। और जितने भी प्लैनेट हैं सबसे अधिक झुका हुआ प्लैनेट कौन सा है? तो वो अर्थ ही है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे डेंसिटी सबसे अधिक किसका है? अर्थ का है। उसी तरह से झुकाव भी सबसे अधिक किसका है? धरती का ही है। फिर है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मीन्स पृथ्वी पर तो वायुमंडल पाया जाता है, उसके अलावा और कहाँ वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पे। मंगल। अच्छा, आप मतलब अगर आपको पता हो तो बताइएगा, मंगल के पास दो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक, उस दोनों का नाम बताइएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मीन्स रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मंगल को। मंगल। फिर पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? देखो ऋतु परिवर्तन तभी होगा जहाँ पे क्या हो, मीन्स वायुमंडल हो। तो वायुमंडल कहाँ पे है? मंगल। तो वहाँ पे भी ऋतु चेंज होगा। तो आंसर हमारा क्या है? सी है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? बिल्कुल वह भी मंगल।
प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या था? पाथ फाइंडर नाम था। अब तो मीन्स इंडिया ने भी लॉन्च कर लिया पाकिस्तान सॉरी मंगल ग्रह पे, तो उसका नाम क्या है? मंगलयान। अच्छा आप मुझे इसका और प्रश्न का आंसर बताओ, मीन्स सरकार जो नया करेंसी नोट जारी किया है तो उसमें किसी एक नोट पे मंगलयान का पिक्चर इंडिकेट है, तो वो कितने रुपये के नोट पे मंगलयान का मीन्स इंडिकेट है ये आप मुझे बताओ कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सॉरी, इनमें किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि यहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो कहाँ पे है? मंगल। वैसे बता दूँ एक और न्यूज कि मून पे चंद्रमा पे चीन जो है एक पौधा उगा लिया है, तो हो सकता है आपके आगामी एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहला पौधा कौन सा था, तो वो कपास का था। कपास इम्पोर्टेंट है, कपास मेनली वो बहुत सारे सीड वहाँ पे ले गया था लेकिन कपास का पौधा जो है वो उगा पाया, तो कुछ पहला होता है तो वो न्यूज में आ जाता है, तो इसीलिए आपको ये स्टैटिक जीके के पर्पज से भी याद रखना है। फिर एक ग्रह के दिन का मान तथा उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान के झुकाव के तुल्य होता है, तो वो कौन सा प्लानेट है? तो वो क्या है? मंगल। मीन्स मंगल का जो झुकाव है, जैसे हमारा कितना है 66/2, तो उतना तो नहीं है पर उसी की क्या है आसपास है, डी सही है। फिर सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? डिमोस। अच्छा चलो मैं हिंट के लिए बता दूं, मैंने कुछ देर पहले एक प्रश्न पूछा था कि मंगल के उपग्रह का नाम बताना था आप लोगों को, तो इस चारों ऑप्शन में उसका नाम दोनों का, उसके पास दो प्लानेट सॉरी सेटेलाइट है, तो दोनों का नाम इसमें दिया गया है, तो आप उसको ढूंढ लो, हिंट दे रहा हूँ। फिर सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। ये किसका है ये भी नहीं बताऊँगा मैं अभी, आप सर्च करना नेट पे। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो जब भी मैं लाल ग्रह की बात करूँ तो कौन होगा? मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति, जुपिटर, जेंट प्लैनेट भी किसको कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? तो वहाँ पे क्या है? अशांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान भेजा था? तो गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान किसे संबंधित है? बृहस्पति। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान संबंधित है बृहस्पति से। मैगलन अभियान किसे संबंधित है? बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? देखो धूमकेतु अगर कहीं टकराता है तो बहुत हार्म मीन्स इम्पैक्ट डालता है वहाँ पे, ये किससे टकराया था? वो भी बृहस्पति से टकराया था। अभी उम्मीद मीन्स कुछ एक मीन्स क्या बताएं, अभी एक धूमकेतु है एस्ट्रॉयड जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा ह्यूज एस्ट्रॉयड है, तो वो अप्रॉक्स 50-60 सालों के बाद धरती से टकराने की मीन्स संभावना है, टकरा सकता है वो, तो उसको लेके यूएसए ने एक हैमर, याद रखिएगा हैमर, वो एक प्रोसेस चला रहा है जिसके थ्रू क्या करेगा वो उसको वहाँ पे बर्बाद कर देगा। तो बर्बाद करने का दो तरीका है, कंसेप्ट समझ लो क्या होता है, जैसे ये सन है तो अभी वो उसके चारों साइड घूम रहा है, पर उम्मीद है वो क्या होगा धीरे धीरे फैल रहा है, मतलब वो अर्थ से टकराएगा, तो वहाँ पे रसिया बोल रहा है कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको, लेकिन यूएस कहता है कि नहीं, मतलब वो किसी तरह से उसको वहाँ पे मीन्स किसी जैसे वो भी बम का ही प्रयोग करेगा लेकिन न्यूक्लियर विस्फोट नहीं करेगा, वो क्या करेगा किसी एंगल से उसको मीन्स वहाँ पे मीन्स बम या कुछ ऐसा करवाए ताकि वो जो सर्किल घूम रहा है उसका क्या हो, एंगल में चेंज हो और वो सन में डायरेक्ट चला जाए। तो देखो क्या होता है, वैसे ये अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत बात है हम लोगों के लिए, तो आप हैमर याद रखोगे, हैमर रिलेटेड किससे है कि पृथ्वी पे अगर कुछ आता है एग्जाम में तो आप ऐसे करके आंसर दे सकते हो। फिर सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे अधिक समय जो लेता है उसका नाम है बृहस्पति। फिर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गैनीमीड। अगर यही आपसे पूछा जाता कि शनि का सबसे इम्पोर्टेंट उपग्रह कौन सा है, तो
तब आप टाइटन मारते, टाइटन शनि का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित ग्रहों में से किसके ग्रहों और बलय है, तो किसको बलय है, शनि को, शनि को देखो बलय सभी के पास है, जो भी दूर का प्लानेट है जैसे कि शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, सबके पास बलय है, पर वो क्या नहीं दिखा जाता है हम लोगों को, बहुत दूर भी है और उसके पास बलय क्या है, कम है। और अभी अभी न्यूज़ में क्या आया था कि शनि का भी बलय कम हो रहा है, एनुअल रिंग इसका भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेडिएशन कम हो रहा है। तो देखो क्या होता है ये सब न्यूज़ में ध्यान में रखना, ये सब कुछ अगर अच्छा होता है तो पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह है, तो सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, देखो कहीं पे आपको शनि मिलेगा, कहीं पे मिलेगा आपको बृहस्पति, तो याद रखना शनि के पास अधिक है, शनि के पास कितना है 62 माना जाता है, ठीक ना, और बृहस्पति के पास कितना है 55। तो ये आप अपडेट होते रहना, क्योंकि आप विभिन्न बुक में अलग अलग टाइप का ये नज़र आता है, तो कन्फर्म हो लेना, ठीक ना, एग्जाम देने से पहले। तो अभी आप क्या करोगे, शनि मारोगे 62। फिर सौरमंडल का, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है, तो अभी मैंने बताया था टाइटन किसका उपग्रह है, शनि, ये नहीं बोलना, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न टाइटन। फिर शनि ग्रह के कितने उपग्रह है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, शनि ग्रह के उपग्रह कितने हैं 62। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, गैलीलियो ने देखा था, किसने, गैलीलियो। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, मीन्स जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो कौन सा है, शनि, शनि। नेक्स्ट है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलाई रिंगों की संख्या कितनी है, तो 10 है, और यूरेनस में कितना है 7 है, पर आपसे पूछा नहीं जाएगा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, मीन्स जिसका डेंसिटी जो है सबसे कम है, तो वो किसका है, शनि का है, शनि का, और सबसे अधिक मैंने पढ़ा पृथ्वी का। फिर सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो भी है शनि, शनि। शनि मीन्स स्टर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, फिर से वही प्रश्न टाइटन, टाइटन। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट बलय है, तो बलय शनि के पास है। नेक्स्ट है यूरेनस, यूरेनस का खोज किसने किया, किसने किया, हर्शल, हर्शल। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है, गैसीय प्लैनेट भी कहा जाता है यूरेनस को, यूरेनस। फिर यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, कितने, 15। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो देखो यहाँ मिल गया आपका आंसर, तो एक हो गया यूरेनस मीन्स अरुण, और दूसरा कौन सा ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में भी बताया था, तो ये आप खुद से या तो गूगल कर लो। मीन्स ये क्या करता है, पश्चिम से पूरब घूमता है, डेट मीन्स इंडो प्लैनेट पे एक तो अरुण हो गया, एक कोई और जो प्लैनेट है उसमें सन अगर आप देखोगे वहाँ जाने के बाद, तो सन वहाँ पे पश्चिम में होगा और पूरब में डूबेगा, ठीक ना, ये अंतर है। अब ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल एवं मिराल्ड, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना इतने सारे प्लैनेट, तो ये किसका है, अरुण का। फिर अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह, या मतलब उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, तो किस प्लैनेट को कहा जाता है, अरुण को ही कहा जाता है, इसको विंडी प्लैनेट और लेटा हुआ प्लैनेट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, जैसे अर्थ क्या करता है 365 या 366 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, वैसे 365 दिन 6 घंटा लगता है एक्यूरेट, तो ये कितना दिन में चक्कर लगा लेता है, इसको लगता है 84 ईयर। नेक्स्ट है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तभी हमने पढ़ा यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वो है वरुण, वरुण देवता जिसे हम कहते हैं नेपट्यून। सौर परिवार में निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, तो बिल्कुल नेपट्यून ही होगा, वरुण ही होगा, क्योंकि क्या है वो सबसे दूर है। लेकिन सबसे गर्म प्लानेट कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बताना कमेंट बॉक्स में। फिर किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है,
वहाँ पे कौन सा गैस है जिसके कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस पर क्या है, मिथेन, मीन्स मार्स गैस है। मिथेन का क्या होता है, CH4। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। देखो सहोदर बहन होगा तो हम करेंगे पृथ्वी और शुक्र, ठीक, और अगर सहोदर भाई की बात हो तो हम क्या करेंगे, अरुण और वरुण। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दिक्कत करता है एग्जाम में, आपको क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर सिस्टर प्लैनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी और शुक्र, और ब्रदर की बात करें तो अरुण और वरुण। फिर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो कौन सा होगा, वरुण ही होगा, नेपट्यून, नेपट्यून। तो चलो इस वीडियो में मैंने 85 वर्ड कवर करना था, अब एक नेक्स्ट सीरीज इसका और आएगा जिसे मैंने और 50 वर्ड कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सौरमंडल से अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन थे, तो इंपॉर्टेंट होता है ये लेसन, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को एंड करते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट भी चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।